जय हिंद। हे गाइस, तो आज का दिन थोड़ा खास है क्योंकि 2.5 साल बाद फर्स्ट टाइम CPU हाई जंप के लिए ट्राई कर रहा हूँ। सोचा था थोड़ा रस्ट आया होगा, लेकिन पता चला जंप ये भी बाकी है। पहले मैंने 4.4 फीट का मार्क ट्राई किया, एक बेसिक वार्म अप समझ लो, और मैंने इतना आसानी से क्लियर किया कि खुद को भी थोड़ा सरप्राइज फील हुआ। फिर मैंने सोचा अब तो थोड़ा चैलेंज करते हैं। फिर मैंने जंप मारा 4.8 फीट का, जबकि क्वालिफाइंग मार्क था 4.7 फीट। सो ना सिर्फ मैंने अपने क्वालिफाइंग मार्क को भी क्लियर किया, बल्कि उससे ऊपर भी जंप मार के ट्राई किया। वो फीलिंग जब आप अपने गोल से भी आगे निकलते हो, अनबीटेबल होती है बॉस। अब अपने स्टूडेंट्स को हमेशा मैं सीजर टेक्निक सिखाता हूँ। ये एक ओल्ड स्कूल टेक्निक है, लेकिन जब सही प्रैक्टिस होती है ना, तो ये मैजिक कर जाती है। अब तुम सोच रहे होगे इंजरी का क्या। हाँ, थोड़ा ड्रामा यहाँ भी है। लेफ्ट में इंजरी होने के बाद भी मैंने कोशिश नहीं छोड़ी। लगता था जैसे मेरी नी बोल रही है, ब्रो तुम जंप करो, मैं संभाल लूँगी। इंजरीज हमेशा एक एक्सक्यूज बन जाती हैं, लेकिन जब डेडिकेशन और बिलीफ होता है तो कोई इंजरी तुम्हें रोक नहीं सकती। 2.5 साल के बाद फील्ड पर वापस आकर ये प्रूफ किया कि अगर तुम कंसिस्टेंट हो तो चाहे जितना भी टाइम हो, परफॉर्मेंस वापस आ जाती है। तुम लोग भी प्रैक्टिस में ये याद रखना, चैलेंज का सामना करो, सीजर टेक्निक को अपना बना लो, जंप करो, अपने लिमिट्स को पुश करो और अपना मार्क आराम से क्लियर कर दो, क्योंकि एंड में इट्स नॉट अबाउट हाउ लॉन्ग इट टेक्स, इट डिपेंड्स ऑन कि हाउ हाई यू राइज। सो दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहो और अपना वर्कआउट अच्छा रखो, कंसिस्टेंट रखो और मोटिवेट रहो। बस ये चीज़ है, और आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।